चलिए, लास्ट क्लास हम लोग एमसीक्यू मेला डिस्कस कर लिए थे कमर्शियल लॉ का, और साथ ही साथ उसके पहले कंपनी लॉ का। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉ का। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है इन अ वेरी 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 गुड मैनर, जहां पे मैंने क्या क्वेश्चन आएगा वो पूरा डिस्कस किया। हर एक टॉपिक पे कंपनी लॉ का लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किया, कमर्शियल लॉ के लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किया, और आज मैं आपके साथ ये एमसीक्यू मेला इंडस्ट्रियल लॉ का डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लॉ में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, लेबर लॉ के कुछ टॉपिक का डिस्क्रिप्शन मैं यही डाल दूंगा। कुछ टॉपिक का मतलब मैंने ESI जैसे टॉपिक को, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जैसे टॉपिक को, ग्रेच्युटी जैसे टॉपिक को, फैक्ट्रीज एक्ट जैसे टॉपिक्स को एंड कोड ऑन वेजेस जैसे टॉपिक को एक एक घंटा में डिस्कस किया है। यानी कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देने वाला है या फर्स्ट टाइम पढ़ने वाला है, उसको भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, वो आराम से ये वीडियो देख के लॉ में 70+ स्कोर कर सकता है। और आपको इसके बदले कुछ नहीं देना, सिर्फ एक ही चीज़ देना है, वो है दुआ। और ये दुआ के साथ मैं ऐसे ही तरक्की करता रहूँगा। आप प्लीज़ फोकस करिए एक चीज़ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी है, वो ये है कि तीनों सीरीज़ का एमसीक्यू मेला अपलोडेड है, चाहे वो कंपनी लॉ का हो, चाहे वो कमर्शियल लॉ का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लॉ का हो। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। आप लोग पढ़ने में रेडी हो, मैं पढ़ाऊँगा और आप पढ़ते रहिए। आ जाइए इंडस्ट्रियल लॉ के कुछ एमसीक्यूज, चलिए डिस्कस करते हैं आपके पेपर में क्या आएगा। मैं गारंटी और एश्योरेंस के साथ लिख सकता हूँ, जो आएगा यही आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप एमसीक्यू मेला इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ और कंपनी लॉ कर लेते हैं, आई गारंटी यू 30 में से 26 स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं है। और अगर 30 में 26 आप इससे स्कोर कर देते हैं, ट्रस्ट मी, आप अपने पूरे पेपर में छा सकते हैं। आ जाइए, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू देखिए क्या बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें से कौन सा जो मेजर्स है वो सेफ्टी मेजर्स में आता है? आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन, फर्स्ट एड अप्लायंसेस या फिर फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री। याद रखिएगा, फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री एक ऐसा मेजर्स है जो सेफ्टी मेजर्स में आता है। फिर नेक्स्ट, एवरी इंस्पेक्टर कम फैसिलिएटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। आंसर है 21। एन अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ ESI। ESI मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कितना दिन के अंदर? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ ESI कोर्ट्स। नेक्स्ट, कोई भी फीमेल बच्ची को काम करने नहीं देंगे फैक्ट्री में, लेकिन वो बच्ची 8 बजे से 7 बजे के अंदर काम कर सकती है। आपको फिटनेस, यंग वर्कर को फिटनेस सर्टिफिकेट का, कि वो अच्छा से काम कर सकता है कि नहीं, कौन देता है? सर्टिफाइंग सर्जन देता है। मेटा एथिक्स क्या होता है? मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ मॉरल जजमेंट्स। ठीक है, मॉरल मैनेजमेंट रिक्वायर्स क्या? एथिकल लीडरशिप। सुना सुना होना चाहिए, एग्जाम में MCQ है, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं। मैं तो इस वे में लिख रहा हूँ ताकि आप स्कोर कर पाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वाइट वॉश और कलर वॉश होना चाहिए इन एवरी पीरियड ऑफ 14 मंथ्स। ठीक है, द एज ऑफ एडोलेसेंट अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट कितना? 14 ईयर्स। नॉमिनेशन इज टू बी फाइल्ड इन किस में? डुप्लीकेसी में। अप्लाइड एथिक्स डील्स विथ वॉट? कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स। देखिए, मैं चाहूँ तो ये वीडियो ऐसे ही बता दूँ कि ये MCQ मेला का ये MCQ है, आप पढ़ लेना। मैं एक बार रीड कर लेता ताकि कोई बच्चा दिक्कत में ना आए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको एक बार देख लिए, प्रिंट कर लो, मतलब इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 1948? याद रखिएगा, चिल्ड्रन एडुकेशन बेनिफिट। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब मैं बात करूँ ESI का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ ESI। वॉट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर ESI? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर ESI पेपर में छपे दिखेगा आपको। ठीक है, एथिक्स आर सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स अ, ओके यहाँ तक थे। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI एक्ट? That is still an education benefit. Ethics are set of moral principle that guides a person behavior.
द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ESI फंड इज 3.25 एंड 0.75 ऑफ वेजेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह से आपको ये पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो पे, ताकि मैं चाहता हूं कि ये बहुत ही सिंपल वे में किया गया है। आपको मैं बस एक वीडियो लाया था ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि ये मैसेज दे पाऊं कि यस वी आर बैक विथ आवर दिस MCQ मेला। सो आई हैव डिस्कस्ड इट हियर, यहाँ पे सारे प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है। आई होप आप इसको अच्छी तरह से पढ़ाई करें। इसके सॉफ्ट कॉपी को मैं अपलोड मार दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, और अगर कोई भी तरह का डाउट हो यू आर फ्री टू टेक्स्ट इन YouTube itself, ओके? यहाँ पे मैंने सारा कवर किया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्स के पहले। स्ट्रैटेजी ये रहेगा, स्ट्रैटेजी एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी फॉलो करिएगा। कल, आज यानी कि संडे, कल यानी कि मंडे, देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है मेरा। कल अगर जो मंडे है, मंडे के दिन आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले विद इन 2 आवर्स में ये सारे के सारे MCQ मेला को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कंपनी लॉ के दिए गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को पढ़ के कंप्लीट कर देना है। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे MCQs पढ़ लेंगे एंड ऑल्सो उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को। उसके बाद आप इस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन को पहले करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ बेनिफिट दिया हो। मेरे साइड से जितना हो सकता था आपके एग्ज़ाम्स के लिए मैं उतना एफर्ट्स डाला। कुछ सवाल ऐसे हैं जो बच्चे को अभी भी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।